तो भारत में दिल्ली स्थित इजराइल के दूतावास के पास एक कम तीव्रता का धमाका हुआ, इसके बाद सतर्कता और बढ़ा दी गई है। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरा होने वाले दिन हुए इस धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की गई। इजराइल ने इस धमाके को आतंकी धमाका बताया। भारतीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत में इजराइल दूतावास के मुताबिक ये धमाका करने वालों और उनकी वजह जानने के लिए भारत इजराइल मिलकर काम करेंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह दिल्ली में उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया, उससे दिल्ली पुलिस का मनोबल कमजोर पड़ा, जिसका फायदा आतंकियों ने उठा लिया। अचानक इजराइल दूतावास के पास एक धमाका हो गया। दिल्ली पुलिस की पीसीआर को जो कॉल मिलती है, उस कॉल के हिसाब से यही जगह, जिस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास इस वक्त कर रहा हूँ, यही वो जगह है जहाँ पर एक धमाके की सूचना मिली। एक बम धमाके की सूचना बताई गई कि एक बम फटा है यहाँ पर, जिसके बाद पीसीआर यहाँ पहुंची और अब इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है। ये ब्लास्ट अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक ये कम तीव्रता का धमाका था। इस धमाके से पास में खड़े 3 वाहनों के शीशे टूट गए, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची अपना औरंगजेब, इंजर्ड कोई नहीं हुआ। धमाके की जांच के लिए आईबी और एनआईए की टीम घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया है कि ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। इधर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद सभी साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन, ये जो है रोहिणी में इनका हेड ऑफिस है, वहां से ये लोग यहां पर पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ में। और यहां पहुंचने के बाद में स्पॉट पर जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट किए हैं और तमाम जो एविडेंस है वो यहां से कलेक्ट किए गए हैं। फॉरेंसिक अधिकारियों ने बताया कि टेस्ट के बाद खुलासा होगा धमाके में कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में हमारे कंट्रोल रूम में ब्लास्ट की जो कॉल आई थी, उसके इंस्टेंट बाद हमारी टीम 40 मिनट में इधर पहुंच गई है। और यहां से जितने भी क्राइम एग्जिबिट्स थे, हमने सारी टीम ने सर्च करके लिफ्ट कर लिए हैं। लिफ्ट करके पैकेजिंग करा के हमने ये स्पेशल सेल के जो आई है उनको हैंड ओवर कर दिए। ये फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इसको फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहीं पता लग पाएगा कि ये कौन सा एक्सप्लोसिव थे, क्या चीज़ें थी। सूत्रों के मुताबिक जाँच टीम को मौके पर एक लिफाफा भी मिला है। इस पर इजरायली दूतावास के एक अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है। अभी इस बात की जांच भी जारी है कि यह लिफाफा ब्लास्ट की घटना से संबंधित है या नहीं। इधर पुलिस ने जांच की जानकारी देने से इनकार किया है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। लेकिन क्या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए धमाका किया गया या फिर यह धमाका किसी बड़ी साजिश की रिहर्सल है, इसकी जांच भी जारी है। नीरज दुबे के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के सामने धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर कर दिया गया। आतंकी हमलों के लिहाज से संवेदनशील मानी जाने वाली जगहों पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट के बाद 26/11 जैसा आतंकी हमला झेल चुकी मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रही अयोध्या में खुफिया तंत्र को अलर्ट किया गया। होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रमुख धर्म स्थलों पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से बीती शाम दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से सीएसटी स्टेशन के बाहर का नज़ारा जो है वो काफ़ी अलग है। आम दिनों के मुकाबले यहाँ का जो नज़ारा है वो अलग है। यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, मुंबई पुलिस की ये स्पेशल फोर्स है, साथ ही साथ जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। राज्य सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है कि जिस तरीके का वारदात इजरायली दूतावास में दिल्ली में हुआ वो यहाँ पे ना हो, मुंबई में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इस बात को राज्य सरकार इंश्योर कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ स्टेशन के बाहर हैं और जो भी वाहन अंदर जा रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। और आपको बताएं कि ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें प्रमुख तौर पर पुणे, नासिक, नागपुर, इन सारी जगहों पर भी सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मुंबई के जो जगह हैं मेन वहाँ पे तो अलर्ट रखा ही गया है, साथ ही साथ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे हाई अलर्ट रखा गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कैमरामैन हरीश सावंत के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़ मुंबई। वही मुंबई में इसराइल के दूतावास के बाहर सुरक्षा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित रामसेन। दिल्ली में इजरायली कॉन्सुलेट के पास बम विस्फोट के बाद मैं आपको बताऊं कि मुंबई में भी इजरायली कॉन्सुलेट के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो है तैनात कर दी गई है। पुलिस के कई ऑफिसर जो है इजरायली कॉन्सुलेट, मुंबई के इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर भी तैनात है। मुंबई में कई जगहों पर, बस अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, कई जगहों पर सुरक्षा जो है तैनात कर दी गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा काफ़ी तैनात है, जगह जगहों पर तलाशी ली जा रही है। कई जगहों पर जो सुरक्षा है मुंबई में भी कई जगहों पर बढ़ा दी गई है। कैमरामैन प्रकाश के साथ अमित राम से जी मीडिया मुंबई। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर जगह चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुंबई में कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। 26/11 जैसा बड़ा हमला झेल चुका मुंबई, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही, फिर चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर बस अड्डे हो। और खुफिया तंत्र भी अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या में खासतौर पर हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संवेदनशील जगह है या ऐसे बॉर्डर्स है जहां पर आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, वहां पर चेकिंग अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पहली बार नहीं हुआ जब भारत में इसराइल को निशाना बनाया गया हो। 9 साल पहले भी इसराइल को निशाना बनाया गया था। भारत में इसराइल के राजदूत की कार में 13 फरवरी 2012 को ब्लास्ट किया गया था। इसमें राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए थे। इस बार भी हमले के बाद भारत और इसराइल के राजनयिक और एजेंसियां संपर्क में हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आतंकियों को दिल्ली में हमला करने का मौका मिल कैसे गया? क्या जिस तरह दिल्ली में पुलिस को निशाना बनाया गया है उससे कमजोर हुए मनोबल का आतंकियों ने फायदा उठा लिया? क्यों हुआ इजरायली दूतावास पर हमला? क्या है आतंकियों का प्लान 29? पुलिस का मनोबल क्यों पड़ा कमजोर? जिस जगह से महज 1.5 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम वीवीआईपीज मौजूद थे, वहां धमाका कैसे और क्यों किया गया है? और आखिरकार 29 जनवरी को ही धमाके के लिए क्यों चुना गया? ये समझने के लिए जिस दिन ये धमाका हुआ उस दिन का महत्व भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत और इसराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुक्रवार को 29वीं सालगिरह थी। इस मौके पर इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कल ही के दिन 1992 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी।
हाल ही के दिनों में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती भी काफी चर्चा में रही थी। ऐसे में भारत और इसराइल की दोस्ती के दिन धमाके के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है। भारत में इसराइल के राजदूत ने भी इस घटना की जानकारी दी। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. दिल्ली धमाके के फौरन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने इसराइल को दूतावास की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली में इसराइली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद मैंने इसराइल के विदेश मंत्री से बात की। हमने इस धमाके को गंभीरता से लिया है। हमने उन्हें इसराइली दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इसराइल ने दिल्ली में दूतावास के पास धमाके को एक्ट ऑफ टेररिज्म माना है। अब इसराइल और भारत दोनों मिलकर इस धमाके की जांच करेंगे। इस धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के दौरे को कैंसिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, राजधानी की सुरक्षा में यह सेन लगी कैसे? इसे समझने के लिए दो तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से समझिए किस तरह लाल किले में गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस को दंगाइयों ने निशाना बनाया। अपने ही देश में दंगाइयों का शिकार हुई दिल्ली पुलिस का मनोबल फिलहाल कमजोर है। वो दिल्ली के अंदर ही दंगाइयों से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाने में व्यस्त है। ऐसे में आतंकियों ने इसका फायदा उठा लिया। हालांकि आतंकी हमलों के सामने भारत कभी भी नहीं झुका है। ऐसे में आतंक के इस धमाके की साजिश भी सामने आ ही जाएगी। इसके बाद भारत और इसराइल मिलकर इसके गुनहगारों को सजा भी देंगे। नीरज गौड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।